10 साल में कांग्रेस ने सेना को बजट के नाम पे 12,80,000 करोड़ रुपए दिए थे, 12,80,000 करोड़ रुपए, और 10 साल में नरेंद्र मोदी ने 48 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, यानी करीब करीब तिगुना से ज्यादा, 3 गुना ज्यादा। तो वो सेना हमारी मजबूत होगी तो पाकिस्तान की सेना को आग लगेगी लगेगी। तो उसने यहाँ पे कुत्ते छोड़ रखे कि तुम काटते रहो, शायद इस पर बाधा डालते रहो। कहाँ 12 लाख करोड़ 10 साल में, और कहाँ 38 लाख करोड़। तो ये फर्क है, और उसी फर्क का नतीजा है, उसका परिणाम है कि सेना के जवान तो मनीष जी छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ के चरवाहों ने दौड़ा दौड़ा के मारा है चीन के सैनिकों को। तो मेरे ख्याल से पाड़ा आड़ा को तो उनके तो ससुर मारे गए, कि उनके दामाद मारे गए, कि बहनोई मारे गए, भगवान जाने कितनी पीड़ा उसको हुई होगी। जरा अद्भुत वीडियो है, दर्शकों से कहूंगा इसका आनंद लीजिए और गर्व महसूस करिए कि ये इस वीडियो के संदेश क्या है। ये कूटे जा रहे हैं चीनी, थोड़ा बड़ा ये भाग रहे हैं ना। हाँ एकदम, वही आपके लिए दिखाइए, आप थोड़ा बढ़ा दीजिए। ये भागा देखिए है। हाँ, ये आखिरी चल रहे थे, आखिरी पोर्शन मजेदार है, तो भागे हैं सब। ये ध्यान बचाने के लिए दो जगह माता सच दे लो दो खोते। खैराती इसके बारे में कभी चर्चा नहीं करें। संदेश है, वीडियो इतना ही नहीं है जो आपने देखा, वो चीन के जो सैनिक है उनके हाथों में बंदूकें हैं और इन चरवाहों ने पत्थर मार मार के उनको खदेड़ दिया, भाग खड़े हुए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि एक गोली चला दें। ये इस उन्होंने कहा, कभी कभी खबर के अंदर खबर होती है मनीष जी, कि इस वीडियो में चरवाओं का मनोबल सोचिए कि वो जमकर इनसे भिड़ गए। उनको मालूम था कि इनकी औकात नहीं कि गोली ये चला दें, क्योंकि तो एक बार गोली चलाई थी गलवान में तो 5 गुना ज्यादा मरे थे चीनी सैनिक। तो ये है दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री की ताकत और सीमा पर खड़े हमारे सेना के जवानों। ये कोई मजाक थोड़ी हो रहा था कि वहां पे चरवाओं ने मारना शुरू किया, चीन के सैनिक जान बचा के भागे, अरे पलट के गोली चला देते बेचारे कहां लड़ते। लेकिन उन चीनी सैनिकों को मालूम था कि अभी तो चरवाहे पत्थर चला रहे हैं, और अगर इन पे गोली गलती से चल गई तो फिर अनर्थ होगा अनर्थ, और उस अनर्थ से चीन कितना डर रहा है कि भागते हुए सैनिक आपको बता रहे हैं चीन के, कि हमारे यहाँ के चरवाहे वो अड़ गए कि हम तो यही चलाएंगे अपना। तो ये जलवा है जिसकी वजह से ये खैरातियों की आग लगती, क्योंकि इनके तो बहनों ही है, किसी का जीजा है, वो सब है वहां पर चीन के लिए बहुत परेशान रहते हैं, तो इनको आग लगती। लेकिन एक हिंदुस्तानी को लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो जितना वोट जो सोच के मनीष जी वोट दिया था उसका कई गुना वापस किया और अभी कई गुना वापस होगा। ये वो और ये वीडियो उसका गवाह है, इसको देख के आनंद आ गया मनीष जी। मैंने कहा ना कि ये आप केवल ये मत देखिए कि वो चरवाहों ने मारा, चरवाहे बेचारे कहीं चीन की सेना से लड़ पाएंगे, ये तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। वो चीन की सेना से क्यों लड़ गए, और सबसे खास बात मनीष जी कि वो तो मैंने कहा कि चीन ने गोली क्यों नहीं चलाई, कि उन चरवाहों को भी ये विश्वास था कि ये कुछ भी करें इनसे शरीर शरीर की लड़ाई में हम इनसे भारी पड़ेंगे, और इनकी औकात नहीं कि ये गोली चला दें, अन्यथा आप समझे चला देते हो, उनको भागना पड़ा, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई। तो ये है ताकत देश की, जो किस मुकाम पे लाके प्रधानमंत्री मोदी ने खड़ा कर दिया है।